ओके बच्चों, स्टार्ट करें हम लोग प्रॉब्लम सेट 5। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेगमेंट है ए बी और ये पैरेलल है वाई एक्सिस को। तो एक सेगमेंट ए बी है, थोड़ा इमेजिन भी करो इस चीज़ों को। सेगमेंट ए बी और किसको पैरेलल है? वाई एक्सिस को पैरेलल है। और इस ए बी के ऊपर एक पॉइंट है ए। ए बी के ऊपर एक पॉइंट कौन है? अच्छा, ए बी यानी ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1, 3। देन व्हाट कैन बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी? तो बी के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले एक लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस को और जो लाइन पैरेलल है उसका नाम है ए बी, जिसमें से ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 3। ये गिवन कोऑर्डिनेट, तो ये दोनों के दोनों ही पॉजिटिव हैं। मतलब जो लाइन ए बी पैरेलल बनाएंगे हम लोग, बराबर, अगर ये ए है और ये बी है तो ये कौन है? 1, 3। 1 मतलब 1 यहाँ रहेगा, ये वाला पार्ट एक्स का रहता है और ये वाला पार्ट किसका रहता है? वाई का। और 3 यहाँ पर होगा कहीं, बराबर ना, तभी तो ऐसा प्लॉट होगा 1, 3। तो ये बी का क्या क्या कोऑर्डिनेट हो सकता है वो हमें पता करना है। तो जब कोऑर्डिनेट तुम लिखते हो तो सबसे पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हो? एक्स का वैल्यू, एंड देन व्हाट यू राइट? वाई का वैल्यू। तो ये 1 है तो ये भी तो 1 होगा। अरे ये इधर 1 है तभी तो उधर 1 गया है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा? 1, वट एवर इट इज, लेट अस सी इसका y क्या होगा उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, सबसे पहले ऑप्शन को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में a का वैल्यू है 3, 1, यानी ऑप्शन a, बराबर। अच्छा, ये होगा क्या ऑप्शन? नहीं, क्योंकि b का तो x कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 1 होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 है b इज इक्वल टू 5, 3, क्या ये हो सकता है? मतलब x तो इट इज कंपल्सरी दैट हैज टू बी 1, समझ में आ रहा क्या? अरे बराबर क्या बच्चों? देखो ये लाइन स्लांट नहीं है, ये लाइन क्या है? पैरेलल है। किसको? वाई एक्सिस को। ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, इसको ये लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पर जो ए का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट बी का भी होगा। ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट बी का भी होगा, और इनफैक्ट वाई कोऑर्डिनेट भी सेम ही होगा। वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? साइन अलग हो सकते हैं पर वाई कोऑर्डिनेट भी सेम, क्योंकि लाइन पैरेलल है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, समझ में आ रहा है, वही यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही यहाँ से लेके यहाँ तक का भी। अच्छा, इसका कोई कंपल्शन नहीं है ये वाले पार्ट का, तो देख लेते हैं। तो ये बी भी कैंसिल हो जा रहा है। ऑप्शन सी जो है वो 3, 0 है, एक्स का वैल्यू 1 नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे बराबर आ रहे समझ में? अच्छा, और डी जो है वो है 1, -3, बराबर है। तो 1 है और क्या है ये? -3। वैसे उसकी वैल्यू से ज़्यादा मतलब भी नहीं था, क्योंकि चारों ऑप्शन में देखोगे तो 1 पहला कहीं भी नहीं है, और किसी का भी 1 नहीं, x का कोई भी कोऑर्डिनेट 1 नहीं है, तो बाकी 3 कैंसिल हो गए और राइट ऑप्शन अपना कौन सा होगा? आगे समझ में? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डैश लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। तो कुछ पॉइंट्स है बच्चों, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है। और पॉइंट्स जो है ये ए है -2, 0, बी है 0, 2, सी इज 2, 3 एंड डी इज 2, 0। तो पूछ रहा है ये कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर है और एक्स एक्सिस पर है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर है और, अच्छा, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है ये मालूम है ना? इफ द पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी। तो चारों ऑप्शन में देखो किसका किसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो एक इसका 0 है, एक इसका 0 है, तो ये बाकी वो क्या बोलते हैं वो केबीसी में
अरे दो उड़ जाते तो 50-50 ये खत्म हो गए। तो अभी ए और डी, अब इसमें से चूज कर लें। अब दूसरा कंडीशन क्या बच्चों, कि इट इज ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर रहेगा और एक्स एक्सिस पर रहेगा, तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बराबर है, तो ये हो गया कैंसिल और ऑप्शन हो गया कौन सा अपना, तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, पॉज कर दे, नहीं समझता नहीं। ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू का। अब इसमें चार ऑप्शन है, पूछ रहा है कि ये पॉइंट दिया है -3.4 दिया है और पूछ रहा है इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा ओरिजिन से। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0.0। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो अगर ऐसा करना है तो इसको हम लोग ए ले लेते हैं, तो ए इक्वल्स टू -3.4। अरे बराबर बच्चों, दैट इज x1, y1, ये भी तो लेना पड़ेगा एक। और इसको पॉइंट को क्या ले लें हम लोग, बी, बी इक्वल्स टू 0, दैट इज x2, y2। अब इनके बीच में क्या फाइन करना है हमको, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 - x1 द प्लस y2 - y1 द। ठीक है, ये वैल्यू पुट करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये कह रहा है कि एक लाइन है जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव यानी ऊपर, x एक्सिस के पॉजिटिव के साथ 30 डिग्री बना रहा है, x के पॉजिटिव के साथ 30 डिग्री बना रहा है। तुमको मालूम है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 तक का रहता है, इसके लिए लाइन कौन से में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री है, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव के साथ यानी x के ऊपर, अगर नेगेटिव बोलता तो हम x के नीचे लेते हैं। तो बोल रहा है कि एक लाइन है, तो ये वो लाइन है जो x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें फाइंड ये करना है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, मतलब स्लोप, इसमें ऐसे आप उन पिसल भी सकते हैं, तो इसका हमको स्लोप फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में स्लोप के सारे फॉर्मूले याद हैं, हमने कुल स्लोप के दो फॉर्मूले किए, एक फाइंड किया हमने स्लोप बाय टू पॉइंट फॉर्म, जब दो पॉइंट दिए होते हैं, जैसे ये दो पॉइंट है, जब दो पॉइंट दिए होते हैं तो स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है y2 - y1 / x2 - x1, जब दो क्या दे देंगे पॉइंट, और जब एंगल दे देगा तो स्लोप का फॉर्मूला होता है टैन थीटा, क्या होता है टैन थीटा, जब एंगल दे दिया तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बच्चों, टैन थीटा। तो सॉल्यूशन में स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा, दैट इज टैन 30, थीटा 30 है तो टैन 30, और टैन 30 का वैल्यू आपको सबको पता है, तो ये आप यहाँ पर सॉल्व कर लेना। ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तीन पॉइंट दिया है और डिटरमाइन ये करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, पॉइंट्स कोलिनियर है या बराबर। कोलिनियर के अब दो तरीके हैं, एक है आप क्या करो, ये डिस्टेंस फाइंड करो, फिर ये डिस्टेंस फाइंड करो, फिर एसी का डिस्टेंस फाइंड करो, तो डैट इज़ बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो ये तरीका मैं कभी भी बोलता हूँ ये मत करो, आप जब भी पता करना है पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है तो कभी भी स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करो, इट इज फार मोर बेटर देन दैट डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बहुत लंबा हो जाएगा पर इस स्लोप का फॉर्मूला बहुत ही छोटा हो जाएगा, और सबको ईजी भी, मतलब जो कैलकुलेशन है वो भी ईजी हो जाता है क्योंकि रूट अंडर रूट का कैलकुलेशन नहीं रहता है। ठीक है, तो वेन एवर यू हैव टू डिटरमाइन वेदर पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, यू यूज द मेक मेथड ऑफ स्लोप फार्मूला, बाय मेथड ऑफ स्लोप फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो एक सम कर रहा हूँ, इसमें तीन सम है कुल, इसमें कुल तीन सम है, एक सम मैं कर रहा हूँ और बाकी के दो आप करोगे। ठीक है, और जो बाकी सुन रहे हैं उनको भी करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे, ए 0.2 इक्विवेलेंट टू x1, y1, ये हमको लेना पड़ेगा, इसको कंसिडर करते हैं। बी 1, -0.5, 1, -0.5 तुम लोगों को दिखाई नहीं देगा, इक्विवेलेंट टू x2, हाँ इधर -0.5 है, अरे नहीं दिखेगा तो टेक्स्ट बुक में देख लेना, और शी इज 2, -3, x3, y3।
तो सबसे पहले ये काम करेंगे हम लोग। उसके बाद स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ तो इसमें ए के पॉइंट्स आएंगे और बी के पॉइंट्स आएंगे, ए के पॉइंट्स आएंगे और बी के पॉइंट्स, समझ में आया। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये एक्स वन है, वाई वन है, एक्स टू है, वाई टू है। तो फॉर्मूला हम लोग जो वो सब ये क्या बोलते हैं सबस्क्रिप्ट है ना, वन टू वन टू टू, तो ये सबस्क्रिप्ट का जो बड़ा नंबर है ना उसे माइनस करते हैं। तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये मैं कह रहा हूँ। और जब वाई टू और एक्स टू, वाई थ्री और एक्स थ्री ये इन्वॉल्व रहेंगे, समझ में आ रहा है, ये टू वाला और थ्री वाला, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, वाई थ्री माइनस, समझ में आया। हाँ बस वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर y2 का वैल्यू जो है हमारा है माइनस 0.5, ये माइनस का माइनस, y1 का वैल्यू है 2, ठीक है, अपॉन x2 का वैल्यू है 1, और ये माइनस का माइनस है, और x1 का वैल्यू है 0, तो ये कुछ ऊपर कितना हो गया माइनस 2.5, बराबर ना बच्चों, ये मिलके माइनस 2.5, और ये नीचे कितना 1 हुआ, ठीक है। तो ये हुआ स्लोप, अब इसे फर्दर तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो माइनस 2.5 इज द स्लोप। अरे ठीक है क्या, ओके नेक्स्ट स्लोप ऑफ बी सी का, तो फॉर्मूला क्या बोला हमने, वाई थ्री माइनस अपॉन एक्स टू, ठीक है। अब वाई थ्री का जो वैल्यू है वो है माइनस थ्री, तो ये लिख देंगे माइनस थ्री, ये फॉर्मूला का माइनस इधर है तो इधर माइनस आ जाएगा। और फिर वाई टू का जो वैल्यू है वो माइनस 0.5, तो माइनस इधर है और एक और माइनस 0.5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस 0.5, ठीक है बच्चों। अपॉन कुछ डाउट है, अच्छा x3 2 है और x2 1 है, तो ये 2 माइनस, तो ये कितना आ गया माइनस 2.5 अपॉन 1। अरे ये सुनो, तो थर्ड स्टेप में स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप इक्वल है, दिख रहा है क्या है? उसमें देख, तो ये स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी दोनों क्या है, इक्वल, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, बस ये बराबर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं, तो एक डिस्टेंस, फिर दो डिस्टेंस, फिर थर्ड पेयर का डिस्टेंस, उसके बाद वो देखना पड़ता, रूट से भी निकालना पड़ता, ऊपर से पॉइंट वाला नंबर है और ज़्यादा रूट हैला, मतलब है ना, मतलब ले देंगे सब लुल मेथड, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं हुड हुड दबंग मेथड, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका कोलिनियर का, इसमें कुल तीन सम्स है, ये फर्स्ट सम मैंने किया, सेकंड सम और थर्ड सम होमवर्क है, ठीक। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो एक ये लाइन सेगमेंट है, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, पी का कोऑर्डिनेट गिवन है, क्यू का कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मिड पॉइंट का, एम कौन है वहाँ पर, मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो क्या तुमको मिड पॉइंट फार्मूला हमारा पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y का क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, दैट इज अ मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले x1 कॉमा y1 इसको कंसिडर कर लोगे, इसको आप कंसिडर करोगे x2 कॉमा y2, ये ऑलरेडी x और कॉमा y हमने ले लिया है, समझ में आया, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला से एम का एक्स इज नथिंग बट एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, और एम का वाई विल बी नथिंग बट वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। अब एक्स वन का वैल्यू जीरो, एक्स टू का वैल्यू ट्वेल्व अपॉन टू कॉमा y1 का वैल्यू ये x m of x और ये m of y, हाँ y1 का वैल्यू 6 प्लस y2 का वैल्यू अपॉन, तो ये कितना हो गया 12 बाई 2 डेट इज 6,
तो एम ऑफ एक्स इज 6 और एम ऑफ वाई इज 26/2 13। समझ में आ रहा है? तो इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई वो हो गया 6, 13। एक्स वाला 6 आया और वाई वाला 13 आया, तो ये उसकी कोऑर्डिनेट्स है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, कई बार आप ऐसा भी कर सकते हो, m का x1 x, y इज नथिंग बट x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो जब ऐसा करोगे तो साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पर x1 का x2 का वैल्यू पुट करो, डिवाइड बाय 2 करो, y1 का y2 का वैल्यू पुट करो, डिवाइड बाय 2 करो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सो ये सम था क्वेश्चन नंबर 3। ऑल राइट, नाउ ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, बराबर अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है भाई एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट 3.8 है, बी के कोऑर्डिनेट -9.3 है। अब ये सेगमेंट जो ए बी है इसको वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट कौन डिवाइड कर रहा है? वाई एक्सिस। हमें ये पता करना है कि इस वाई एक्सिस ने हमारे सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड किया। क्या फाइंड करना है? वाई एक्सिस ने ये सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड किया है। अगर ये वाला पार्ट लेके यहाँ से लेके यहाँ तक m है और यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट क्या है? n है। तो ये m is to n, ये m by n ये रेशियो में क्या करना है? फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? अरे ये सुनो, बस ये इतना फाइंड करना है। तो इसमें सबसे बड़ा हिंट क्या वालों में ये सम के अंदर, क्योंकि y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, माने एक्स कोऑर्डिनेट 0, नहीं समझा? अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। समझ में आ रही कि नहीं बात है? वाई एक्सिस कट कर रहा है ना, ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। क्या एक्स एक्सिस कट कर रहा है उसको? नहीं। तो ये पॉइंट पर, ये पॉइंट पर जहां पर वाई एक्सिस उसको कट कर रहा है वहां पर एक्स क्या होगा? 0 होगा। ये बात सबसे बड़ा याद रखना। और वही अगर एक्स एक्सिस कट करता तो वाई क्या होता? 0, क्योंकि यही तुमको हेल्प करेगा, ये पॉइंट ही तुमको हेल्प करेगा। तो यहां पर एक क्लियर हो गया बात कि सिंस y एक्सिस डिवाइड्स द सेगमेंट, देयरफॉर इट्स x कोऑर्डिनेट इज, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। माने अगर यहां पर ये पॉइंट p है जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो p का पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, y। y का कुछ ना कुछ होगा पर x क्या होगा? 0। हमको y से तो मतलब ही नहीं है, हमको तो सिर्फ 0 से मतलब है। समझ में आया? फिर बोलेंगे लेट y एक्सिस डिवाइड सेगमेंट इन रेशियो m is to n। ये भी बात बता दिया कि ऐसे मान लिया जाए y एक्सिस जो है वो हमारे सेगमेंट को m is to n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये भी हमने बता दिया। अब हम सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सम को सॉल्व करने के लिए मैं ये p का कौन सा पॉइंट लूँ, 0 वाला लूँ या y वाला लूँ? 0 वाला लूँ या y वाला लूँ? मैं वही लूँगा जो मुझे नोन है। कौन सा नोन है? 0। तो p ऑफ x, p ऑफ बाय, देखो ये डिवाइड कर रहा है ना, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? बाय सेक्शन। गुड नाइट किस दू क्या? आग में कुछ चले गया? अरे तुम लोगों के लिए नहीं है। हाँ, तू सीधा मेरे दिल में जा रहा है, इतना मीठा मीठा नींद ले रहा है तू, बराबर है? इतनी मीठी तो गुलाब जामुन नहीं होती। हंसता है बच्चों। देखो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, पी ऑफ एक्स, ये जो पी ऑफ एक्स है इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है इट इज गिवन बाय एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। आपका एक्स वन ये है और वाई वन ये है, एक्स वन 3 है, वाई वन 8 है और एक्स टू वाई टू, वो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन।
कभी भी ऐसा पॉइंट आया, कभी भी ऐसा समय आया कि भाई एक लाइन उसको डिवाइड कर रहा है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला ही, और वो भी क्लियर था ना, रेशियो, रेशियो इन विच इट डिवाइड्स, यानी कि क्लियर है कौन सा यूज करना है हमको, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। देयरफॉर पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स कितना बच्चों, तो ये जीरो इज इक्वल टू एम, पता नहीं है एक्स टू मालूम है, तो ये माइनस नाइन प्लस एन, पता नहीं है एक्स वन पता है थ्री अपॉन, तो जीरो बराबर है इज इक्वल टू माइनस नाइन एम प्लस थ्री एन, अरे एम इंटू माइनस नाइन एम, और ये प्लस थ्री एन, और नीचे क्या बचा एम प्लस एन, इधर आके जीरो से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस नाइन एम प्लस थ्री एन, नाइन को इधर लेके आऊँ तो नाइन एम इज इक्वल टू थ्री एन, किसका रेशियो फाइंड करना है, तो m को इधर रखता है n को इधर लेके आता, तो m को इधर रखा n को इधर लेके आया, 3 उधर है 9 उधर गया, क्या 1 बाय, कौन सा रेशियो हो गया, कौन सा रेशियो हो गया, अरे m बाय n इज 1 बाय 3, तो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसको, 1 इज टू 3, तो ये m इज टू n क्या हो गया 1 इज टू 3, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, समझ में आया बच्चों, ठीक है। वही सब मैं बोलता आपको कि इस सेगमेंट को x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो आप कौन सा सॉल्व कर दे, y वाला, क्योंकि y वाला जीरो होता, तो y वाला क्या होता, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लेते p ऑफ y, समझ में आया, अरे ये अगर अननोन होता, ये भी अगर ये y लेते इधर, तो ये भी अननोन होता ना, तो जब इसको इधर मल्टीप्लाई करते तो अननोन ही है, क्या करोगे, जीरो थोड़ी हो पाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं, हाँ, तो इसके लिए ऐसा करना पड़ता है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, बराबर ना, 5 ही है ना, अब इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ दिस पॉइंट्स, तो एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है और पी और क्यू इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, बराबर, तो सबसे पहली बात, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका एक कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, वो कौन होगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि लेट ए एक्स कॉमा जीरो बी द पॉइंट, तो वो पॉइंट मान लिया जाए वो कोई और नहीं है, वो एक्स कॉमा जीरो है, ठीक है, तो ये पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है और पी और क्यू से इक्विडिस्टेंट भी है, पी और क्यू से इक्विडिस्टेंट भी है, समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट जो होगा उसमें हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस पी ए विल बी इक्वल टू डिस्टेंस क्यू ए, डिस्टेंस पी ए और डिस्टेंस क्यू ए, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, गिवन है, क्या बोल रहे हैं कि वो पॉइंट जो है वो पी से और क्यू से इक्विडिस्टेंट है, सो दिस थिंग इज गिवन टू अस, ये गिवन है, ठीक है। अब मैं इसे भी कुछ अज्यूम कर लूँ, कैसा मान लूँ कि ये मेरा x3 है और ये मेरा y3 है, ये मेरा x3 क्या है x और y3 क्या है जीरो, ठीक है, तो अब यहाँ पर डिस्टेंस p अप्लाई करते हैं, तो अंडर रूट p और a का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, x1 है y1 है x3 और y3 है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, y3 माइनस सॉरी x3 माइनस x1 वन द प्लस वाई थ्री माइनस द होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर x2 y2 और x3 y3, तो x3 थ्री माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ का भी रूट और यहाँ का भी रूट कैंसिल, दोनों बगल रूट है, तो रूट को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दूसरा क्या वर्ड बोल सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब यहां पर क्या बच रहा है, एक्स थ्री और एक्स वन, एक्स थ्री की तो वैल्यू कितना है, एक्स है, देयरफॉर एक्स, एक्स वन का वैल्यू टू माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री का वैल्यू कितना है, जीरो, जीरो माइनस वाई वन, तो जीरो माइनस वाई वन, वाई वन का वैल्यू कितना है, माइनस फाइव, तो ये प्लस फाइव द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर